ये 56 लाख के कमरे, 56 लाख के कमरे और 56 लाख के आसपास का खाना पीना गुवाहाटी के होटल में जो ये शिवसेना के बागी रह रहे हैं, कमरे 7 दिन के लिए बुक होते हैं, कितने 7 दिन के लिए। और अब आंकड़ा देखिए जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, बागी विधायकों के लिए गुवाहाटी से रेडिसन ब्लू बुक किया जाता है, ये होटल का किराया आपके सामने, 70 कमरे बुक किए गए और कमरे कुल 7 दिन के लिए जो बुक किए गए, इस बुकिंग के लिए कुल 56 लाख रुपए खर्च हुए आपके सामने। इसके साथ साथ खाने और बाकी सर्विस को अगर मैं जोड़ दूं रोज के हिसाब से तो 8 लाख रुपए खर्च होते हैं और 7 दिन के हिसाब से यह खर्च बैठता है 56 लाख रुपए। इस तरह की बुकिंग और खाने पीने का खर्च मिलाकर 1,12,00,000 रुपए यह खर्च बैठता है। ये पैसा कहां से आता है, ये इतना पैसा जो खर्च हुआ 56 लाख रुपए के कमरे बुक हो गए, ये पैसा कौन पे कर रहा है? एक नाथ शिंदे जी ने अगर अहमदाबाद से गुवाहाटी जाने का सोचा और उन्होंने बुक कराया तो एक नाथ शिंदे जी बता पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी क्यों बताएगी? समझाइए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? समझाइए, इससे कोई आपका लेना देना थोड़ी ना है सर, मैं तो सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पब्लिक के जहन में है कि भैया ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन खर्च कर रहा है, इसमें कोई आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं बात को, है ना? भाजपा नहीं बताएगी, वो शिंदे जी बताएंगे, भाजपा नहीं बताएगी, शिंदे जी बताएंगे। तो मुझे एक बात जाननी थी कि रेडिसन ब्लू में एक कमरे का किराया बैठता है लगभग 7,000 रुपए से शुरू होता है, ये 7,000 रुपए से, और डीलेक्स कमरे का किराया बैठता है लगभग 8,000 रुपए तक जाता है। मैं अनुमानित खर्चा लगा दूं 8 लाख रुपए रोजाना, 8 लाख रुपए रोजाना और सुविधाओं के साथ सब कुछ मिला के मैंने आंकड़ा लगाया लगभग 1,12,00,000 रुपए के आसपास ये खर्चा बैठता है। और 40 क्योंकि 40 तो वो फोटो खिंचवा रहे हैं ना सबके साथ मुस्कुराते हुए, तो इसका खर्चा इतना अनुमानित बैठता है, तो ये पैसा कौन पे कर रहा है, जनता को जानना चाहिए प्रदीप जी की नहीं? सर ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ और एकनाथ शिंदे जी को बताना चाहिए कि भाई इसका खर्चा कौन कर रहा है। शिंदे जी बताएंगे और मैं इस, हाँ बिल्कुल बताएंगे, जब जब एकनाथ शिंदे जी ने जब इतना, नहीं हमारा भाजपा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और मैं एक आम आदमी पार्टी का, मैं सर मैं एक आम आदमी पार्टी जो रुके हुए सर, हर ऐसी कहानी में चार्टर्ड प्लेन आता है। अब वो देखिए कितनी महंगी है चार्टर्ड प्लेन की यात्रा, एक चार्टर्ड विमान में 8 सीटर प्राइवेट जेट होता है, चार्टर्ड फ्लाइट के लिए कोई शेड्यूल नहीं होता, जब चाहे तब जाओ, हैं पैसा खर्च करो बस। और किराए पर जेट की कीमत पड़ती कितनी है पता है आपको, हर घंटे के हिसाब से लगभग 1.5 लाख रुपए, और मुंबई से अगर दिल्ली जाएंगे तो कम से कम आपको चाहिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का सफर होगा, और 8 सीटों वाला जो विमान है उसमें 35 लाख रुपए का आपका खर्चा बैठेगा। और यह कीमत सूरत से गुवाहाटी का अगर सफर तय करेंगे तो गुवाहाटी तक के लिए किराया बैठता है लगभग 60 से 65 लाख रुपए, कितने 60 से 65 लाख रुपए, और इस किराए में अभी 18% जीएसटी अलग से जोड़ दूंगा तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। आपने करोड़ों की जो बात करी जो होटल बुक करने की, सर राजनीति है और मुंबई एक माया नगरी है, उसके लिए करोड़ों रुपए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता दूं कोई फर्क, और जो बेचारे भूखे टैक्स देते हैं, जनता जो टैक्स देती है उसको तो फर्क पड़ता है ना सर, बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल फर्क, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है सर, करोड़ों रुपए बाड़मेर में लोग डूब रहे हैं वो देखते होंगे, उनके जले पर नमक छिड़कता होगा कि नहीं, कि हम बाड़मेर में डूब रहे हैं और ये 5-स्टार होटल में। तिलक चावला जी आप बहुत कड़वे पत्रकार हैं और आप जो सवाल पूछते उनको उनको सेटिस्फाई करना अच्छे अच्छों के बस की नहीं है। तिलक चावला जी जब एमएलसी के चुनाव होते हैं, जब विधान परिषद के चुनाव होते हैं, राज्यसभा चुनाव, करोड़ों रुपए के एमएलए सांसद बिकते हैं। 70 कमरे बुक हुए, किसने किए क्या किए वो आप जनता जाने, क्योंकि आपका तो कोई लेना देना नहीं है प्रदीप जी। लेकिन एक सवाल मेरा और भी है इससे जुड़ा हुआ, एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा, ये एडीआर का आंकड़ा है, एडीआर की रिपोर्ट 2016 से 2020 की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ, खुलासा यह कि 5 सालों में 405 विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़ा, जिसमें से 182 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी कि करीब 45% विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, और बगावत से अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो थी कांग्रेस।
170 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने, जैसे कि कांग्रेस ने 170 खोए तो बीजेपी ने 18 विधायक खोए। कांग्रेस में सिर्फ 38 बागियों की एंट्री हुई। और फिर एक और आंकड़ा आपके सामने, जहां पर 357 विधायकों ने दोबारा चुनाव लड़ा रिपोर्ट के मुताबिक, और 170 इसमें से जीत जाते हैं और 48 की उपचुनाव में जीत होती है। कितना दिलचस्प आंकड़ा है ये कि नहीं प्रदीप जी? संकेत बता देता हूं, संकेत यह है कि श्री राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने विधायक सांसदों की सुनते नहीं है। मतलब सवाल कुछ भी पूछो जवाब राहुल गांधी दोगे आप? कोई भी राज्य उठा लीजिए। चार्टर्ड प्लेन पहले से पता नहीं कैसे बुक हो जाते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया। जैसे कि वॉल्वो बस आती है, एक जैसे ये सब कुछ होता है एक वॉल्वो बस आती है, वॉल्वो का किराया भी मैंने नहीं जोड़ा। वॉल्वो का किराया क्या है वो तो खैर आप लोग है सब जानते हैं, ये तो बहुत छोटी मोटी बात हो जाएगी। लेकिन वॉल्वो आती है और वॉल्वो ठीक जो है वो चार्टर्ड प्लेन के पास लेकर जाती है, तभी मैंने चार्टर्ड प्लेन का हिसाब लगाया। प्लीज कंटिन्यू। चावला जी, ये राजनीतिकरण जो आप आज हम आप जो लेके जो बातें कर रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी, राजीव जी और मनमोहन सिंह जी के टाइम से जब सब चीजें चली आ रही हैं, ये उसका नतीजा है। तो यानी आप, ये सिस्टम आप इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। सर मैं खत्म, आप इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। सर ये राजनीतिकरण का गंदाकरण जो सिखाया है कांग्रेस सिखाया है। आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का बयान सुनाता हूं। सर कांग्रेस की बड़ी गंदी और भद्दी राजनीति रही है सर। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, आपकी पार्टी का जो सिद्धांत, चाल चरित्र और चेहरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा देश उनको प्रणाम करता है, पूरा देश आज भी उनको याद करता है। उनकी कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्हीं का बयान सुनाऊंगा मैं आपको, प्ले करिए। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अटल जी कहते थे कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता, अटल जी बोलते थे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे लाचन लगाना, आज के डिबेट में अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे लाचन लगाना चाहते हैं कि इसमें सारा किरदार भाजपा का है, तो थोड़ा गलत रहेगा। इतना गुस्सा लाते कहां से हो प्रदीप जी, इतना गुस्सा क्यों? आराम से पानी पीजिए। नहीं नहीं पानी, आराम से सर पानी पीजिए, आराम से।